आज हम बनाएंगे वाइट ग्रेवी वाली पनीर। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने पनीर लिया है, इसे हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल में हम पनीर को डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। पनीर जो है वो फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने दो कट किया हुआ प्याज, कुछ काजू, कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और अदरक दिया है। अब उसी तेल में हम इन्हें डाल देंगे और प्याज के नरम होने तक इन्हें पकाएंगे। प्याज जो है वो नरम हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा कर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम उसी ऑयल में एक चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, एक इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पत्ता डालेंगे। आधे मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें तैयार किए हुए पेस्ट को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम एक चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाथों से क्रश कर कसूरी मेथी डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को पका लेंगे। अब 3 से 4 मिनट बाद हमारा मसाला जो है वो पक चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच फेटी हुई दही डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी में बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 1 से 2 मिनट बाद हमारी पनीर की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। इस वाइट ग्रेवी वाली पनीर को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप एक बार पनीर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।